क्या देख लो, जितने भी हीरो हैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ, ये आरडी चावला का गिफ्ट है। हाँ जी, मैंने ये जो फोटो उनको दिया है ये आज से 20 साल पहले फिल्म सिटी स्टूडियो में एक शूटिंग के दौरान मैंने खींचा था। तो अंजन जी का जब फोन आया कि उनका जन्मदिन है, क्योंकि इनका जन्मदिन मेरे को 20 साल से अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर साल ये अपना बर्थडे मनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इनको क्या गिफ्ट किया जाए, तो फिर मैंने इनका जो 20 साल पहले का एक फ़ोटो खींचा था वो मैंने बना के वो इनको दिया है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। मैं आज ही सोच रहा था, आज फिल्म सिटी स्टूडियो में गया था तो वैन ही वैन खड़ी थी। ये आपको शायद पता नहीं है किसने शुरू की, किसने पहले जब शूटिंग होती थी तो आर्टिस्ट ना शूटिंग करने के बाद बाहर बैठ जाते थे, बैठ के गुल्ली डंडा खेलते थे, गोटियाँ खेलते थे। मीर खान के मेरे पास फोटो है, बहुत सारे एक्टरों के फोटो है जो शॉट देने के बाद वैन वून नहीं होती थी उस टाइम, तो बाहर ही बैठ जाते, बैठ के एंजॉय, आपस में चुटकुले वगैरह सुनाते थे एक दूसरे को, हम मीडिया के साथ भी बैठ के गप्पे मारते थे। दिन के बाद मैंने देखा कि आर्टिस्ट जो हैं वो आप शॉट देते हैं और शॉट देने के बाद सीधा उनको वैन में चले जाते हैं, तो आम आपको ना तो कवरेज मिल सकता है। अभी वो शॉट है सीधा अंदर वैन में चला जाता है, हैं? तो इसलिए वो जब से वैन शुरू हुई है ना, उस से मेरे हिसाब से हमारे फोटोग्राफरों को बहुत लॉस हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम जरूर चेंज हो गया। पहले क्या था कि मेकअप वैन नहीं होती थी तो एक लंबा सा टेबल लगता था, लंच टाइम वहाँ सारे एक्टर्स मिलते थे, शाम को एक चाय वगैरह के लिए मिलते थे या फिर कई बार रुक जाते थे। वो सब नहीं रहा, सिस्टम चेंज हो गया। हर एक आदमी को अपनी अपनी गाड़ी मिल गई है और उस गाड़ी में उसके मनपसंद लोग बैठे हुए हैं, तो ये आज का सिस्टम है। तो सिस्टम जैसा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस माहौल में भी अंजन जी इस तरह फील करते हैं और इस तरह के मौके ढूंढ कर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि अपने दोस्तों को बुलाएं, उनके साथ बैठें। मुझे लगता है ये बेहद ही एक ज़बरदस्त बात है। ऑल द बेस्ट, मैं फिर से एक बार दिल से अंजन जी को हैप्पी हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। ऑल द बेस्ट अंजन जी, टेक केयर।